catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out. आप कब आए? अभी? तुम डर गई क्या मेरे आने से? नहीं नहीं, मैं बस ये कर रही थी। सोई क्यों नहीं? वो एग्जाम्स की वजह से मेरी रूटीन डिस्टर्ब हो गई है। कॉफी पियेंगे आप? ऑफ कोर्स, तुम्हारे हाथ ही कॉफी को कभी मना कर सकता हूँ? तुम जानती हो मुझे किसी और के हाथ ही कॉफी अच्छी लगती नहीं। अब ऑफिस में भी कॉफी पीना छोड़ दिया, सब लोग इतना हैरान हो गए हैं। और एक और बात का इंकशाफ हुआ है अभी अभी। किस बात का? ये रमजानी चाचा सारी जिंदगी मुझे इतनी बुरी कॉफी पिलाते रहे यार। इतनी अच्छी लगती है मुस्कुराते हुए। प्लीज है ना, ऐसे ही मुस्कुराती रहा कर, तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है। हंसने के लिए बोले सहम क्यों गई हो? प्लीज खुल के हंसा करो ताकि तुम्हारे साथ इस घर के दरो दीवार भी खुश हो सके और मेरा दिल भी। थैंक यू। आप मुझे नींद आ रही है। मैं दो मिनट तो रुको, बैठ के कुछ बातें कर लेते हैं। आप ऑफिस का काम कर लेना। ऑफिस का काम होता रहेगा, तुम बैठो यहाँ पे। कुछ देर बातें कर लेंगे तो तुम्हारे साथ कुछ यादें बन जाएंगी। पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। अगर मैं चली गई तो मुझे इसी तरह मिस करेंगे। ऑफ कोर्स। सोच भी नहीं सकता कि तुम चली जाओगी। इतनी आदत होगी तुम्हारी, तुम्हारे यहाँ रहने की, तुम्हारी प्रेजेंस की। तुम्हारे बगैर तो शायद जिंदगी ऐसी रहे ही ना। और ये घर भी कितना कितना वीरान हो जाता जब तुम नहीं होती तो। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है। मैं कॉफी बना दिया करूंगी, इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। सुधा की कसम सही कह रहा हूं मैं। तुम जानती हो कि मैं ये सोचता भी हूं ना कि तुम जा रही हो तो मेरा दिल बैठ जाता है। और दिल में ये दुआ करता हूं कि ऐना कभी भी कहीं ना जाए। मेरे हाथ की कॉफी पीने के लिए इतना तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। तो किसी के भी हाथ की अच्छी लग सकती है। किसी के हाथ की क्यों अच्छी लगेगी? किसी और के हाथ की कॉफी अच्छी लग ही नहीं सकती। कोशिश करेंगे तो किसी के भी हाथ की अच्छी लगने लगेगी कॉफी। टेस्ट बदलना कोई मुश्किल थोड़ी है। इतना आसान होता है टेस्ट बदल लेना यार? नहीं आते बदल लेना, नहीं ना? मैंने लोगों को बदलते देखा है। आदतें बदलना इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आती। जिंदगी है कितनी हसी है फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी है वीरानियां। चुपके से ये मुझसे कहे अगन
लग जाने दे कैसे आदत होगी तुम्हारी, तुम्हारे यहाँ रहने की, तुम्हारी प्रेजेंस की, तुम्हारे बगैर तो शायद जिंदगी ऐसी रहे ना। एक घर भी कितना कितना वीरान हो जाता जब तुम नहीं होती। मेरे हाथ की कॉफी पीने के लिए इतना तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है, तो किसी के भी हाथ की अच्छी लग सकती है। सुधा की कसम सही कह रहा हूँ, तुम जानती हो मैं ये सोचता भी ना कि तुम जा रही हो तो मेरा दिल बैठ जाता है। दिल में ये दुआ करता हूँ कि ऐना कभी भी कहीं ना जाए। मैं फैसला कर चुका हूँ मामा, और आप प्लीज इंटरफेयर करने की कोशिश मत करें। बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे डैड को ये रिश्ता कितना पसंद है। उस लड़की से शादी मैंने करनी है, ना आपने और ना ही डैड ने, और मैं ये अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि मैं उस लड़की के साथ नहीं रह सकता, इसलिए प्लीज मेरा माइंड चेंज करने की कोशिश मत करें। रजा, इट विल बी अ सोशल डिजास्टर। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी मैं, मर जाऊंगी ऐसे। ये आजकल आप लोगों को क्या हो गया? पहले डैड आपको छोड़ने की धमकियां दे रहे हैं और अब आप मुझे मरने की। मैं आप लोगों की इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग का हिस्सा नहीं बनूं। रजा प्लीज जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत करो। रजा मेरी बात सुनो। आराम से मेरी जान, तुम तो हवा के घोड़े पर सवार हो। तुम यहाँ क्या करी हो? आप तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने? क्या हमारे दरमियान अब भी कुछ बाकी है कि मुलाकात का शौक रखा जाए? अब देखो रजा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन बदगुमान होने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। नहीं मिस नताशा, मेरी मर्जी मैं तुम्हारी बात सुनूं या ना सुनूं। मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं ये रिश्ता नहीं रखना चाहता। रजा, अगर तुम मेरी कल की हरकत की वजह से ये रिश्ता खत्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हें हर चीज़ ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन वो सब करना मेरी मजबूरी थी। लेकिन कल तुमने मेरा दिल जीत कर ये प्रूफ कर दिया कि मेरे सारे अंदाजे गलत थे। कहना क्या चाहती हो? एक्चुअली मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। इन एक्सक्यूज़ का अब क्या फ़ायदा? कल भरी महफिल में सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया और अब यहाँ माफी मांगने आ गया। अगर तुम कहो तो मैं भरी महफिल तो क्या, पूरे शहर के सामने तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे कुछ कहने का मौका तो दो प्लीज। कहो क्या कहना चाहती? यहाँ नहीं, बाजरा तवील है, कहीं बैठ के बात हो सकती है प्लीज। आप दे देते मुझे इस तरह, थोड़ी मुश्किल होगी। जिंदगी में मुश्किलों का भी सामना करना चाहिए, कैसे मुकाबला करोगे? ओके लगा दो।
ऐसे में अगर आपको सुई चुभ गई तो? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम मुझे हरगिज सुई नहीं चुभोगी। और इन केस अगर चुभ भी गई तो सह लूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा। तो क्या हुआ? हाथ क्यों कांप रहे हैं? तुम पे भरोसा नहीं है क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो डर रही हो क्या मुझसे? शौहर हूं तुम्हारा, कोई समझे ना समझे लेकिन रिश्ता तो है ना। इवीना से ही दोस्त समझ के कर दो ये काम। प्लीज आइंदा ऐसी बात मत करिएगा। क्यों ना करूं, सच का सामना नहीं कर सकते क्या? जी, और मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ। है ना, मैं डरने वाला मुझसे नहीं हूं। जो सच आपकी मुश्किल में इजाफा करे उसे ना बोलना ही अच्छा होता है। जाने दे कैसे ये वीरानियां।
भी कहीं अजब तन्हाई कैसी है वीरानियां चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने